धनबाद जिले के सुंदर विधानसभा से बीजेपी से उम्मीदवार बनाए गए तारा देवी रांची से धनबाद पहुंचे और इस दौरान तारा देवी ने मेवको मोड़ स्थित मणिन्द्र मंडल और बरवाडा स्थित किसान चौक पर किसान की प्रतिमा पर माल्य अर्पण किया। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। उनसे खास बातचीत की हमारे सहयोगी अनिकेत सिंह ने। झारखंड में महापर्व यानी कि विधानसभा चुनाव का शंखनाद हो गया है। ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियां अपने पत्ते खोल रही है। ऐसे में अगर हम बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी ने अपनी पहली सूची जारी की है जिसमें 66 उम्मीदवारों के नाम है। ऐसे में अगर हम धनबाद की बात करें तो धनबाद के सिदरी विधानसभा क्षेत्र से इस बार तारा देवी को टिकट दिया गया। तारा देवी जो विधायक है इंद्रजीत महतो, उनकी पत्नी आलाकमान ने उन पर भरोसा जताया है, तो सीधे उनसे जुड़ेंगे और बात करेंगे कि उनका क्या कहना है। मैम, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपको सिदरी विधानसभा से इस बार सीट मिला है। जिस तरीके से विषम परिस्थितियों में पिछले 3 साल से आप क्षेत्र में घूम रही, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, हम लोग एक भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं। माननीय विधायक जी को जिस तरह से 19 में टिकट दिए थे, वो एक ही बार उनको टिकट मिला और पहले ही टिकट में वो जीत हासिल करके भारतीय जनता पार्टी के झोली में वो डाले हैं। मैं भी केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश के नेतृत्व में जो मुझे एक विश्वास जता के टिकट दिया है, ये भारतीय जनता पार्टी में ही संभव हो कि एक साधारण से साधारण कार्यकर्ता को वो सम्मान रखते हैं और भारतीय जनता पार्टी अपना परिवार समझकर ये टिकट दिए हैं। और आशा ही नहीं, मैं पूरा विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि हमारे ऊपर सभी जाति, सभी वर्ग और सभी समुदाय का मेरे सर के ऊपर आशीर्वाद है और भारतीय जनता पार्टी के सभी ज्येष्ठ श्रेष्ठ कार्यकर्ता मेरे साथ हैं, चल रहे हैं। सिंदरी में कमल खिला है, इस बार भी कमल खिलेगा और रिकॉर्ड मत से मैं जीत हासिल करूंगी और आगे मैं। इस साल में जिस तरीके से आप एक गृहिणी होने के नाथ साथ एक अभिनेता भी है, तो कहीं ना कहीं दोनों को किस तरीके से संभाल रही है आप? देखिए, जब से वो बीमार पड़े हैं, हमारा 3 परिवार हो गया। एक हैदराबाद में वो अस्वस्थ चल रहे हैं और एक मेरा घर का परिवार है और एक सिंदरी विधानसभा क्षेत्र। तो ये है, आपको बता दे कि सिंदरी विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी की प्रत्याशी तारा देवी जो अभी जो वर्तमान में विधायक है इंद्रजीत महतो, उनकी पत्नी, जैसा कि आप सबको पता है कि 2019 में उन्होंने जीत हासिल की, उसके बाद से ही 2021 से उनकी तबीयत जो है बिगड़ी हुई है, उसके बाद से लगातार ये सिंदरी क्षेत्र का दौरा कर रही है और इस बार बीजेपी आलाकमान ने तारा देवी पर भरोसा जताया है और सिंदरी विधानसभा क्षेत्र से उन्हें टिकट दिया गया है। कैमरामैन रजा हैदर के साथ में अनिकेत सिंह।